तो जरा रूपम हरति धैर्यम ही आशा, और मनुष्य के धैर्य को कमजोर करने वाला कौन है? धीरज कैसे टूटता है? जिस मनुष्य के मन में कोई आशा होती है, आशा उसके धैर्य को कमजोर कर देती है। मृत्यु प्राणान हरते, मनुष्य के प्राणों को कौन हरता है? उसका नाम मृत्यु है, वो तुम्हारे प्राणों को हर लेती है। क्या मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? यदि है तो कौन सा उपाय है? महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा दो, फिर मरोगे नहीं। महामृत्युंजय मंत्र को रचने वाले मर गए, जाप करने वाले मर गए, जिनके लिए जाप किया गया वो भी मर गए, और जिन्होंने जाप करवाया वो भी मर गए। ये महामृत्युंजय मंत्र भी मृत्यु से किसी को नहीं बचा सकता है। याद रखना, सबसे बड़ा महामृत्युंजय मंत्र है आत्मज्ञान। जब तुमको आत्मबोध हो जाता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तब तुम समझ जाते हो कि मेरी मौत होती ही नहीं है, केवल शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। मृत्यु प्राणान हरति, धर्मचर्याम असूया। दोष देखने की आदत, हर व्यक्ति में कमी देखने की आदत, ये तुम्हारे धर्म को नष्ट कर देती है। अगर तुम अपने पिताजी में भी कमी देखते हो तो आप पुत्र धर्म नहीं निभा पाओगे। और कितने लोगों की आदत होती है, उनको अच्छाई दिखती ही नहीं है, उन्होंने चश्मा ही ऐसा लगाया है। सावन में कोई अंधा हो जाए तो उसको सब हरा भरा ही दिखाई देता है, रेगिस्तान में ले जाओ तो भी हरा भरा दिखता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सावन में अंधे हुए, उनको सब में बुराई ही बुराई दिखती, अच्छाई दिखती ही नहीं है। एक कीड़ा होता है तालाब के अंदर, जिसको जोंक कहते हैं, यहां क्या कहते हैं वही कहते हैं, ठीक। और एक भैंस का बच्चा होता है, उसको पड़वा कहते हैं। तो जब पड़वा भैंस के अस्तन को पकड़ता है तो वहां से दूध खींचता है, लेकिन जोंक जब भैंस के अस्तन को पकड़ती है तो वहां से खून खींचती है, दूध नहीं खींचती है। पकड़ने की जगह एक ही है लेकिन खींचने की चीज अलग अलग है। पड़वा दूध खींचकर पीता है, तंदुरुस्त हो जाता है, और जोंक खून खींचती है। याद रखना, ऐसे दुनिया में जो पड़वा है वे दूसरों के अच्छे अच्छे गुणों का दूध खींच लेते हैं, जो जोंक है वे खून ही खींचते हैं, बुराई ही देखते रहते हैं, उनको और कुछ दिखता ही नहीं।